दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल कैप्टन स्वपन मिश्र को आपका स्वागत है। काफ़ी दिन गैप के बाद फिर से आपका सामने हाजिर हो रहा हूँ। मैं अपना ऑफिस शिफ्ट किया था, अभी शिफ्टिंग कंप्लीट हो गया, लेकिन थोड़ा बहुत सेटिंग बाकी है। यहीं से ही मैं कोशिश करूँगा अच्छे अच्छे वीडियो यूट्यूब चैनल में लोड करने के लिए। थोड़ा क्लैरिटी रहेगा। एक मिनट मैं दिखाता हूँ मेरा कहाँ कहाँ से हुआ है। ये देखिए, लाइटिंग भी थोड़ा अच्छा हो गया और थोड़ा मैं बहुत सारी इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ। तो आज कोई टॉपिक लेने से पहले हम थोड़ा पिछले 6-7 दिन में क्या हुआ, खास करके 14 तारीख से मैं लूँगा क्या हुआ अब तक का। मैंने लास्ट वीडियो ख़त्म किया था इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट का, पर अभी उसका पर ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ नहीं है। का मीटिंग चल रहा है, कल ही ख़त्म हुआ था। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह जो रिटायर मतलब ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उनका जगह पे लेफ्टिनेंट जनरल मेनन जो टेक ओवर कर रहे हैं अपना जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जॉइंट सेक्रेटरी आई थिंक नीरज नवीन श्रीवास्तव US president, along with our officer from the Indo ITBP, Indo Border Force. तो कल करीब 13-14 घंटे तक मीटिंग चला, वो भी उनका जो मोल्डू एरिया में, हमारे एरिया में चुसुल में नहीं, मोल्डू एरिया में उनका कंट्रोल एरिया में। तो निकर्ष ये निकला कि ग्रुप कितना कैसे हटेगा, क्या हटेगा, ये तो जो मीटिंग ऊपर से फिर जाने के बाद हमारा जो इधर इनपुट आया, उनका इनपुट गया, फिर डिसाइड होगा उनसे क्या इंस्ट्रक्शन ऊपर से आता है। नवीन श्रीवास्तव के बोल रहा हूँ जो चाइना में एम्बेसी में, एम्बेसडर नहीं लेकिन चाइना एम्बेसी में रह चुके हैं, वो बेसिकली चाइनीज लैंग्वेज में बहुत यू नो वेरी एफिशिएंट इन दैट लैंग्वेज। सो चाइना लोगों का ज़्यादातर इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है, तो इंडिया का इंग्लिश चाइना लोग थोड़ा सा समझ नहीं पाते बिकॉज यू आर द इंटरप्रेटर, वो ट्रांसलेट करके बताते हैं, जबकि वो ईस्ट साइड में एक्चुअली उस एरिया में फॉरेन मिनिस्ट्री में रह चुके हैं, तो उनका काफ़ी ज्ञान है उसमें। तो ये हुआ फाइनल, लेकिन एक निकर्ष ये आया कि अभी कोई ट्रूप बढ़ाएंगे नहीं, मतलब हम भी एक 10 जवान नहीं बढ़ा सकते हमारे एरिया वगैरह में। बता दिए भाई हमारा ये एरिया में ऐसे डिप्लोमेट है, उन्होंने भी बता दिया हमारा ये एरिया में ऐसे डिप्लोमेट है, अभी नहीं बढ़ाएंगे, आगे के बाद देखेंगे। मैंने पहले बोला था कि कुछ स्टेलमेट होने वाला है, कुछ होने वाला नहीं है, अभी जो विंटर डिसाइड करेगा, विंटर ऑलरेडी डिसाइड करना शुरू कर चुका है चाइनीज का। पर कुछ कुछ वीडियो में देख रहा था कुछ दिन पहले, ये चाइनीज टू जो फिंगर 5 का ऊपर थे, हम लोग फिंगर 4 पे जमा हुए हैं, वो फिंगर 5 पे जमा हुए हैं। अभी फिंगर 5 का नीचे उनका एक अस्थायी मेडिकल कैंप है, अभी जो उनके लिए जो विंटर स्टार्ट हो गया है, लेकिन हमारे लिए तो अभी एक महीना बाकी है, बिकॉज वी आर बैटल आइलैंड। सियाचिन कारगिल में हम एक विंटर देख चुके हैं एक अदर, तो अभी दे हैव स्टार्टेड फेसिंग द म्यूजिक। सो उनको थोड़ा नीचे स्ट्रेचर में लेके उनको एडमिट कर रहे हैं, तो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनका भी डाउट है कि अगर वो कैंप छोड़ के हट जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, क्या इंडिया ट्रूप कब्जा करना ले, ये जो यू नो डेफिसिट होता है, जो ट्रस्ट डेफिसिट है, वो उसका पर अगली और एक बार मीटिंग होगा। ये अभी तक इंडो चाइना का ये स्टैंड अप में यही है, लेकिन हम लोग आईबोल टू आईबोल ये में है। तो दूसरी बात है कि बीच में जया बच्चन जी एक स्टेटमेंट दे दी अपना बॉलीवुड का कचरा का ऊपर, जो अपना रवि किशन जी MP, उन्होंने एक पार्लियामेंट सेशन चालू हुआ ना सेप्टेम्बर 14 तारीख से, तो मुझे पता था कि मैंने इसको अपने वीडियो किया था, गवर्नमेंट जब डिसाइड किया था कि शुरू करेगा पार्लियामेंट सेशन चालू होगा कभी, जो जुलाई में मानसून सेशन जुलाई में होना चाहिए था, अभी चालू हो रहा है, उन्होंने बोला 0 आवर और जो क्वेश्चन आवर नहीं रखेंगे, मैंने भी थोड़ा सा पब्लिक प्रेशर रहा और मोरल भी है, तो क्वेश्चन आवर को कैंसिल करते हैं, 0 आवर है, हम डिस्कशन करते हैं। वो 0 आवर में रवि किशन जी जो गोरखपुर का MP है, अपना BR UP में एक बहुत अच्छे स्टार है वो, एक्चुअली बहुत खुली फिल्म, उन्होंने बॉलीवुड के बारे में कुछ बोला प्रोटेक्शन दो ड्रग माफिया वगैरह ये से अंडरवर्ल्ड से, तो जया बच्चन ने कुछ बोला है, इसका पर एक सेपरेट वीडियो में बना हुआ एक्चुअली, ये सुशांत सिंह कंगना रावत ये सब जो केस होता है उसके लिए सेपरेट वीडियो बना हुआ। अभी सर आज मैं बता रहा हूँ, वो तो पार्ट बाय बना, आज मैं बता रहा हूँ इस बीते इतना दिन में क्या हुआ।
तो ये एक पार्लियामेंट में एक हॉट टॉपिक रहा कुछ दिन। जया बच्चन जी काफ़ी ट्रोल भी हुए एक्चुअली, बहुत सारे मीडिया में, यूट्यूब चैनल में वो ट्रोल हुए, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में वो ट्रोल हुए। उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं रखूँगा एक्चुअली, मेरा जो उसके लिए जो स्पेशल वीडियो बना हुआ। अभी उसके बाद और एक बिल जो है वो पास हुआ, जो MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनका जो सैलरी है 30% कट हो गया है एटलीस्ट फॉर 1 ईयर, वो भी पारित हो गया। दूसरे ये जो MP लैंड फंड जो है, लैंड फंड जो है, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड जो होता है 5 करोड़ पर ईयर जो है, उसको भी रोक लगा दिया गया। वो थोड़ा सा उसका पर डिस्कशन हुआ, हंगामा हुआ थोड़ा बहुत। वो लोग बोले नहीं, लोकल एरिया हमारा हाथ में, ये जो एक्चुअली वो जो MP लैंड फंड जो होता है ना, वो बेसिकली लोकल एरिया में जो लोग इलेक्शन में अपने बच्चे लोग पार्टी के लिए भागते हैं, उसका वो क्या मिलता है, पेट्रोल मिल जाता है, दारू मिल जाता है और थोड़ा खाने पीने का मिल जाता है, इसलिए बैनर पोस्टर चिपका के रैली वगैरह करते रहते हैं। लेकिन फ़ायदा उनको वही MP लैंड फंड से आता है, कोई क्लब का गांव में क्लब है, कोई ये है, उनको छोटा छोटा काम जो रास्ता बनाओ, क्लब हाउस बनाओ, ये बनाओ, इसके लिए मिल जाता है। वो जो भी परसेंटेज वगैरह कुछ इलेक्शन फंड के लिए आता है, 20-25% आता है, जो इंजीनियर कुछ लेता है और बाकी इसके खाते में, MP के खाते में, पार्टी फंड में आता है, बाकी कुछ इधर उधर होता है। और क्लब लोग, क्लब के जो लड़के लोग वो भी मस्ती करते हैं, कुछ दिन खर्चा पानी चल जाता है। MP लाइट फंड यही सिर्फ यूज होता है, MP या MLA लाइट फंड जो होता है लोकल एरिया का, लेकिन कुछ काम हो जाता है। जो भी कोई मतलब एक तालाब बनाना है, कोई छोटा मोटा रास्ता बनाना है, कोई ये करना है, काम कुछ होता है एक्चुअली। इसलिए ये नहीं है कि ये कम्युनिटी के लिए कुछ काम भी होता है उसके लिए, लेकिन वो पैसा जो है सिर्फ ओनली कुछ पार्टी फंड जनरेट करने के लिए और कुछ इधर उधर करने के लिए। अपनी जो चिले चमड़ा जो लोग काम करते हैं पार्टी वर्कर्स, उनको खुश करने के लिए वो MP फंड यूज होता है, MP लैट फंड जो होता है, वो भी रोक लग गया। एक ये हुआ। तीसरी बात, जो मेजर जो अभी परसों जो हंगामा हुआ एक्चुअली राज्यसभा ये में, 8 सांसद संजय सिंह, दीपक ओब्रेन और जाके चढ़ चुड़ के, वो जो हालांकि वो डिप्टी चेयरमैन को हाथ बात नहीं लगे, मारा नहीं, लेकिन उनके ऊपर माइक वाइक फोड़ रहे थे और जो रूल बुक फाड़ रहे थे, ये सब नाटकबाजी जो कर रहे थे, जो स्कूल का बच्चे लोग देख रहे हैं तो हंसेंगे, चला सांसद इनको किसने बनाया। उनका डिमांड था नहीं, जो कृषि बिल है लोकसभा में तो पास हो गया इजीली, बिकॉज मेजोरिटी था, 3 जो बिल है उसको पास करने का जरूरी क्या था। ये लोग डिमांड कर रहे थे कि उसको इधर सिलेक्ट कमेटी में भेजो, क्योंकि बारीकी से करके कुछ क्लॉजेस चेंज करें और कुछ डायरेक्ट अपोज कर रहे थे, कुछ पार्टी डायरेक्ट अपोज कर रहे थे। इसका ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, लोग जानते हैं एक्चुअली, क्योंकि कुछ इंट्रिकेसी है एक्चुअली ना, मैं बताऊँगा इंट्रिकेसी बताऊँगा कि ये बिल जो है ओनली पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, UP का कुछ एरिया उसमें चला ज़्यादा विरोध हो रहा है और इसमें हो रहा है, लेकिन बाकी देश में और कहीं जगह कुछ नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है बताऊँगा मैं। शरद पवार के रोल बताऊँगा, सुखबीर सिंह बादल, सुखबीर कौर, सुखबीर एग्रो इंडस्ट्री जो, उसके बारे में बताऊँगा, वो सब लिंक है एक्चुअली, उसके बारे में सेपरेट वीडियो करूँगा। अपना जो अकाली दल का जो हरमित, उनका जो बीबी जो रिजाइन किए, मिनिस्ट्री से रिजाइन किए, क्यों किए, 5000 करोड़ का मामला है, मैं बताऊंगा उसके बारे में। अच्छा, तो अभी पार्लियामेंट में क्या हुआ एक्चुअली, ये जो जून में एक्चुअली एक ऑर्डिनेंस लाए थे, 3 बेसिकली जो मंडी APM मंडी है, एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ऊपर है और एक अपना जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो होता है ना, जो कोई उसको इतना जमाखोरी नहीं कर सकता, उसको अमेंड करके कुछ आइटम्स को जो है एसेंशियल लिस्ट से हटा दिया गया है। वो लिंक टू द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वो दूसरा वीडियो जो बनाऊंगा डिटेल बताऊंगा मैं। तो ये उसमें हंगामा करके वो ड्रामा कर रहे हैं, रास्ते में लोगों को खड़ा करना, ये करना, वो करना, जो किसान विसान बर्बाद हो गए, बेकार चीज़ कोई बर्बाद नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है, ये लोग ड्रामा हो रहा है छोटे रास्ते में, ठीक है, किसान को बहुत फ़ायदा है इसमें। मैं ABC करके उसका पर एक स्पेशल जब मैं बनाऊंगा वीडियो तो मैं आऊँगा। तो ये अभी हो रहा है, आज शायद राज्यसभा सीनेट आए क्लोज हो गया है मेरे ख्याल से, आई डोंट नो एक्चुअली, मैं न्यूज़ देखा नहीं, लेकिन आज शायद होना है। बाकी जो छोटा मोटा जो बिल है, जो ITTT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रिपल दिस थिंग्स, उसमें कुछ इंस्टीट्यूट को मान्यता दे दिया गया है, जबकि
कुछ ज़्यादा फंडिंग मिलेगा ये करके। बाकी आई डोंट नो लोकसभा किस दिन चलेगा क्या चलेगा। और बाकी इंटायर सेशन 14 तारीख से लेके आज 24 तारीख, मेरे ख्याल से शायद लोकसभा कल बंद हो जाएगा कि आज बंद हो जाएगा पता नहीं, राज्यसभा तो शायद क्लोज हो जाएगा। अपना सोनिया मामा और राहुल बाबा दोनों ये जो इम्पोर्टेंट जो पार्लियामेंट का सेशन है उसको स्किप करके थोड़ा फॉरेन टूर मार लिए, अच्छा है छुट्टी है, क्योंकि पार्लियामेंट में घुसते तो राहुल बाबा जब क्वेश्चन करते इंडो चाइना में क्या हुआ, चाइना पूरा ये कर दिया, हमारा इतना जगह ले लिया, मोदी ने बर्बाद कर दिया, अगर पार्लियामेंट में घुसता तो उसको थप्पड़ पड़ता था, पब्लिक बोलते तो उसको कार्टून बनाते, ऐसे तो पप्पू तो है ही है कार्टून बनाते, इसलिए वो पार्लियामेंट सेशन को मिस करके माँ बेटे भाग गए थे। सुना है कि आज वापस आए हैं तो अच्छा है, मतलब पार्लियामेंट को फेस करना नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ये आज तक का जो अभी जो 6-7 दिन में जो ड्रामा हुआ इसी के ऊपर मैं ये कर रहा हूँ, छोटा शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ मैं, और यहाँ से मैं बंद करता हूँ। कल मैं टॉपिक लूँगा, ठीक है कल मैं एग्रीकल्चर जो 3 बिल है उसका पर ले लूँगा, नहीं तो बॉलीवुड इंडस्ट्री का पर लूँगा। मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ थोड़ा बहुत डाटा वगैरह में कलेक्ट कर रहा हूँ, उसका पर करेंगे, उसके बाद कोविड का पर कुछ करेंगे, एक्चुअली एक वीडियो करेंगे। मतलब लोग पूछते हैं जो वैक्सीन निकल रहा है अभी, हम वैक्सीन का कौन सा स्टेज में पहुँचे हैं, कब आएगा कि कब नहीं आएगा। कोविड में अभी जैसे कि टोटली ऑन लॉकडाउन हो गया, अभी लॉकडाउन तो है ही नहीं, पूरा इंडिया खुल गया है, लेकिन रेलवे वगैरह अपना जो फ्लाइट सर्विस वो वगैरह ठीक से खुला नहीं है, स्कूल कॉलेज वगैरह ओपन नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे खुल रहा है। लेकिन अभी जो ये है जैसे आज का जो 80,000 करीब ऑल ओवर इंडिया का जो संक्रमण है वो फिगर है जो 90, 95, 96 हो रहा है, लेकिन धीरे कमती हो रहा है, लेकिन लोग बोले कि टेस्टिंग कम हो रहा है। लेकिन अभी जो कोविड का जो पैनिक पहले था, अभी वो पैनिक है नहीं, लोग को पता चलेगा कि कोविड बिकॉज डेथ रेट जो इंडिया में जो है ना दैट इज ऑलरेडी 1.7% एंड ऑल। तो कोविड होता है, कोविड का डेंजरस ये है कि स्प्रेड ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जनरली लोग मरते नहीं हैं, इसलिए लोगों का अंदर थोड़ा सा डर भाग गया। लेकिन फिर भी हमको रहना चाहिए, वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, जैसे कि मास्क जो है ना सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है अपना मास्क, उसको तो पहनना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए हाथ को, ये करके रहना चाहिए। मतलब हमको डर नहीं है कोविड हो जाएगा, मुझे पता है कि हम फौजी आदमी हैं और जिस तरह हमारा डाइट होगा, जिस तरह हमारा ट्रेनिंग था, 15 किलोमीटर का क्रॉस कंट्री दौड़ते थे हर हफ्ते, चलो जितना पुशअप ये किया, बीम किया, चलो रस्सी रोप क्लाइंबिंग करते थे, और वो भी फर्स्ट क्लास, पाँव नहीं लगा के इतना चलो इसका दम पे करके करते थे, तो हमको कोविड टच नहीं कर सकता ये तो हम पता है। लेकिन फिर भी हमारे वजह से किसी को कोविड अगर चले जाए तो ये ठीक नहीं, इसलिए हम लोग को सावधान रहना चाहिए। आज छोटा सा वीडियो करके यहीं मैं बंद करता हूँ, कल हम एक अच्छे टॉपिक लेंगे, पार्ट बाई पार्ट लेंगे, 1, 2, 3 पूरे चलेंगे और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।